प्लेऑफ में बने रहने के लिए पंत ने ऊपर से नीचे तक राजस्थान के खिलाफ बदल दी दिल्ली की प्लेइंग 11। डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और ईशांत शर्मा के खेलने के ऊपर कोच ने बड़ी अपडेट बताई। बात करें दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले की, तो ये मुकाबला बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूं कह सकते हैं डू और डाई इनकाउंटर किसके लिए, ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि ये इस मुकाबले में हर हाल में जीत अर्जित करना चाहेंगे। अगर पिछले मुकाबले की बात करें यानी कि कल के मुकाबले की, तो सनराइजर हैदराबाद की हार ने इनके लिए खुशियों का सौगात लाया। सनराइजर हैदराबाद के हार के कारण इनके प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो वो थोड़ा और मजबूत हुआ है, इनके पक्ष में आया है। तो अब ये अपना जी जान झोंकने वाले हैं, अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करने वाले हैं, जिस कारण से अभी तक प्लेइंग 11 चुनने में जो चूक हो रही थी, जो खिलाड़ी इंजर्ड थे उनके ऊपर भी अपडेट आई है, और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऋषभ पंत पूरी तरीके से ठान चुके हैं। और ये अनिवार्यता भी है कि उनको अब सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 12 का चुनाव करना होगा और उसी को राजस्थान के खिलाफ खिलाना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि राजस्थान रॉयल्स इस संस्कर की सबसे सफल टीम है, या यूं कहें कि जिस टीम ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया है हर मुकाबले में, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान रॉयल्स। यानी कि राजस्थान को हराना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, और अगर दिल्ली कैपिटल्स अपना सबसे मजबूत प्लेइंग 12 नहीं उतारेगा तो फिर इनका कायाकल्प हो जाएगा, फिर इनके लिए चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी, बहुत दुश्वार हो जाएंगी, और यहां पर हार मतलब ये प्लेऑफ से बहुत दूर छिटक जाएंगे। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने और आपको बताने का प्रयास करने वाले हैं कि दिल्ली कैपिटल्स सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्या उतारेगी, और उससे भी बड़ी बात, आपको अपडेट्स बताएंगे। कोच ने डेविड वार्नर के फिटनेस के ऊपर क्या अपडेट दिया है, कोच ने भैया ईशांत शर्मा की फिटनेस के ऊपर क्या अपडेट दिया, और पृथ्वी शाह इस प्लेइंग 12 में फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागकर बताइएगा कि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंच सकती है आपके हिसाब से या नहीं। अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया हो तो ये आपके स्क्रीन पर है दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड ब्रेकअप। इसके जरिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत सबसे मजबूत प्लेइंग 12 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्या उतार सकते हैं। उससे पहले हम आपको डेविड वार्नर के ऊपर अपडेट देंगे, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसके अलावा ईशांत शर्मा के ऊपर अपडेट देंगे, और फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी शाह इस प्लेइंग 12 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले डेविड वार्नर का अपडेट दे दिए चलते हैं आपको। तो भैया डेविड वार्नर थंब इंजरी के कारण कुछ मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं खेले हुए हैं, और वहां पर इनकी कमी खली है, यानी कि डेविड वार्नर उपलब्ध हो जाएंगे अगर पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट प्लेइंग 12 में आएंगे। तो इंजरी अपडेट ये है उनकी कि वो पूरी तरीके से लगभग फिट हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग के अनुसार फिटनेस टेस्ट होगा, और अगर फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो डेविड वार्नर खेलेंगे, और उन्होंने कहा कि 98 से 99% और नेट्स पे जिस तरीके से वो अभ्यास कर रहे हैं, ये देखने से लग रहा है कि डेविड वार्नर पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं, और मुकाबला वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऑल इंपॉर्टेंट इनकाउंटर कर सकते हैं आप, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से है, वो वार्नर खेलते हुए दिखेंगे, यानी कि ये मजबूती बल्लेबाजी विभाग में दिल्ली कैपिटल्स को मिलने वाली है। वहीं बात करें दूसरे बड़ी अपडेट की, शायद डेविड वार्नर से भी जो बड़ा अपडेट है, क्योंकि अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो वो जूझ रही है, खासकर तेज गेंदबाजी विभाग, और खासकर विदेशी गेंदबाजों पर नजर डालें, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। एनरिक नॉर्किया का फॉर्म अच्छा नहीं है, जहर रिचर्डसन को ट्राई किया गया वो भी अच्छे लय में नहीं दिखे, फिर उसके बाद लिजार्ड विलियम्स को पिछले मुकाबले में खिलाया गया, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रख दिया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की सख्त दरकार है, जिसने अपने गेंदबाजी से प्रभावित किया है, हाई स्किल सेट जोड़े हुए हैं और वेरिएशंस भी ऐड किया हुआ है, तो एक अलग लेवल के ईशांत शर्मा दिख रहे हैं। और ईशांत शर्मा के फिटनेस अपडेट की बात करें तो ये पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, और कल आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये आपको खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि ईशांत शर्मा फिट हैं, लगभग वार्नर फिट हैं और खेलते हुए दिखेंगे, और पृथ्वी शाह प्लेइंग 12 में आएंगे या नहीं आएंगे वो हम जब चर्चा करेंगे बल्लेबाजी विभाग की तो वो आपको बताते चलेंगे। तो इन दोनों इंजरी अपडेट के बाद अब बात कर लेते हैं कि तेज गेंदबाजी विभाग क्या होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की कल के मुकाबले में, आने की सबसे मजबूत तेज गेंदबाजी विभाग या क्या चुन सकते हैं। तो देखिए भैया, ना ही इनके झाई रिचर्डसन का फॉर्म है, ना ही लिजार्ड विलियम्स का फॉर्म है, ना ही एनरिक नॉर्किया का फॉर्म है, अब इनको विदेशी तेज गेंदबाजी विभाग में नहीं सोचना है,
ये जो कारनामा पिछले 4-5 मैच पहले किए हुए थे सभी भारतीय तेज गेंदबाजों को खिलाया था, वैसा ही इनको कुछ करना है। इनको ईशांत शर्मा को खिलाना है, उनको उसके बाद खिलाना है खालिल अहमद को, उसके बाद मुकेश कुमार को, और फिर रसिक सलेम ने इंप्रेस किया, रसिक सलेम ने। तो ये 4 इनके तेज गेंदबाज हो सकते हैं, जो कि कौन कौन, खालिल अहमद, मुकेश कुमार, रसिक सलेम, ईशांत शर्मा होंगे। और ये काफी मजबूत फिर तेज गेंदबाजी विभाग हो जाएगा, ये काफी सशक्त तेज गेंदबाजी विभाग हो जाएगा। इसमें डेथ ओवर्स में मुकेश कुमार फेंक सकते हैं, एक ओवर ईशांत शर्मा ला कर दे सकते हैं, खालिल अहमद भी फेंक सकते हैं, इवन रसिक सलाम को भी ट्राई कर चुके हैं ऋषभ पंत, वो भी फेंक सकते हैं, उनके पास वेरिएशन है स्लोअर वंस के। तो और शुरू के ओवरों में भैया ईशांत शर्मा ने अच्छा प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी की है, तो वो आ सकते हैं। यानी कि ये विदेशी गेंदबाजों के पास नहीं जाना होगा भैया, उनके पास जाओगे उनसे बहुत खर्चीले साबित हो जा रहा है, तो उनसे दूरी बनानी है। तो ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, खालिल अहमद और रसिक सलेम इनके तेज गेंदबाजी विभाग को कंसिस्ट करेंगे। उसके अलावा इनका स्पिन गेंदबाजी विभाग कौन होगा, कुलदीप यादव, और उसका साथ कौन देंगे, अक्षर पटेल। तो ये इनके 6 गेंदबाज हो गए गेंदबाजी के विकल्पों की बात करें। अब आ जाते हैं इनके बल्लेबाजी विभाग में। तो देखिए भैया, डेविड वार्नर फिट हैं तो डेविड वार्नर खेलेंगे, इसके साथ जेक फ्रेसर मैकगर्ग जिसने इंप्रेस किया है, जिस कारण से पृथ्वी शाह का पत्ता यहां पर कट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि पृथ्वी शाह फिट होने के बावजूद प्लेइंग 12 में नहीं खेलेंगे, अगर वार्नर ने फिटनेस टेस्ट पास कर दिया आज तो वार्नर और जेक फ्रेसर मैकगर्ग ओपन करेंगे। सबसे बेहतरीन और सबसे सॉलिड और उससे बड़ी बात कि विश्वसनीय ओपनिंग जोड़ीदार हैं ये दोनों, तो वार्नर और जेक फ्रेसर मैकगर्ग। नंबर 3 पर यहां पर से होप खेलेंगे, 4 पर ऋषभ पंत खेलने चाहिए, 5 पर ट्रिस्टियन स्टब्स को आना चाहिए। ये छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि पोरेल को भेज दें, इनको भेज दें, नहीं। से होप है आपकी टीम में तो से होप को नंबर 3 पर भेजो, लेफ्ट एंड राइट अब नहीं बनाना है, अब चीजों को बिगाड़ना नहीं है। 4 पर ऋषभ पंत की आवश्यकता है, ऋषभ पंत को भेजिए, 5 पर ट्रिस्टियन स्टब्स हर हाल में खेलने चाहिए, इस ट्रिस्टियन स्टब्स फॉर्म में आपके बल्लेबाज हैं और उनको अधिक से अधिक गेंदे दीजिए, आप उनको नंबर 6 नंबर 7 पर भेजकर उनकी बल्लेबाजी को मत गड़बड़ाइए, उनको अधिक से गेंदे देंगे, अधिक से अधिक गेंदे तो वो आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाकर दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा खासा काम कर सकते हैं। उसके बाद ये इनका बल्लेबाजी विभाग हो गया, आप शेख पोरेल खेलते हुए दिखेंगे और फिर अक्षर पटेल बतौर कर सकते हैं हरफन वाला खिलाड़ी इसमें अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा इनका भैया प्लेइंग 12 हो गया, जो कि कल के मुकाबले में खेलता हुआ दिखेगा, आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और ये सबसे मजबूत सबसे सशक्त प्लेइंग 12 है दिल्ली कैपिटल्स का, जहां पर जेक फ्रेसर मैकगर्ग डेविड वार्नर ओपन करेंगे, से होप 3 पर, 4 पर ऋषभ पंत, 5 पर ट्रिस्टियन स्टब्स, 6 पे अक्षर पटेल, 7 पे अभिषेक पोरल, 8 पे कुलदीप यादव, 9 पे खालिल अहमद, 10 पे रसिक सलाम, 11 पे मुकेश, 12 इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में ईशांत शर्मा, वो अभिषेक पोरल से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो ये सबसे 12 खिलाड़ी हैं मजबूत, जिसमें कुलदीप यादव भी कुछ बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, अच्छा खासा योगदान अपना इसमें दे सकते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन करके कमेंट बताइएगा, कमेंट करके कि ये प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी, क्या ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।